खबर बलिया जनपद के रसरा क्षेत्र के सबरूपुर गांव से है, जहां प्राथमिक विद्यालय सबरूपुर शिक्षा क्षेत्र रसरा के प्रांगण में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा खंड विकास अधिकारी शकील अख्तर अंसारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष सिंह, विशिष्ट अतिथि संदीप सोनी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा तैलचित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। ग्राम प्रधान महेंद्र राजभर के द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्राथमिक विद्यालय सबरूपुर के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति का कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि व ग्राम पंचायत अधिकारी शमशाद अहमद व ग्राम प्रधान महेंद्र राजभर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने वाले 6 लाभार्थियों माधुरी देवी, फूलमती देवी, मोहन राजभर, सिंधु देवी, मनोरमा देवी, शकुंतला देवी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में शासन द्वारा हर विभाग के कर्मचारियों को उपस्थित रहने का निर्देश किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में लेखपाल की मौजूदगी नहीं हो रही है। मुख्य अतिथि इस बाबत को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि देश को विकसित और शक्तिशाली बनाने में आज देश में मोदी और योगी जैसे संत काम कर रहे हैं। संचालन आलोक प्रताप सिंह ने किया। मौके पर वेद प्रकाश उर्फ रिंकू सिंह, दिनेश कुमार, चंदुलाल गौतम, आदली सिंह, बुधन राम, अजय प्रताप, सुनील कुमार, श्याम सुंदर रावत, मुन्ना प्रसाद, अमित चौहान, विनय कुमार, पूनम देवी, रीता देवी, ममता देवी, बेशनी देवी व अन्य लोग उपस्थित रहे। सम्मानित नागरिकों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम, ये हमारे विकास खंड का 52वां कार्यक्रम, जैसा संचालक महोदय ने बताया, 52 गांव की यात्रा हम लोग कर चुके हैं और 75 गांव में लगभग सफल रहा है। ये आप लोगों की देन है। सबसे पहले हम माताओं, बहनों और यहाँ के सम्मानित नागरिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुनने के लिए, सरकार की योजनाओं को जानने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अध्यापक और बच्चों को, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति की। देखिए, बच्चों का जब विवाह होती है उसका निखार स्कूलों के जरिए युवा। मैं शमशाद अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सभा सौरपुर। सौरपुर में कैसा कार्यक्रम हुआ? विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जिले और ब्लॉक से अधिकारी आए हुए थे, अपने विभाग के सारी बातों को बतलाए, सारी योजनाओं को बताए। ये इसीलिए पशु विभाग के अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के थे, कृषि विभाग के थे, ब्लॉक से थे, ये सब लोग अधिकारी उपस्थित थे। बात यह है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जमीन पे लाया जा रहा है और जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको बतलाया जा रहा है। उससे लोगों को लोग लेके आए हैं, उनका समाधान किस प्रकार से आप हैं? सौरपुर गांव में काफ़ी लोग समस्या लेकर आए हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। किस तरीके की समस्या है और कैसे निदान होगा? वो आवास, ज़्यादातर आवास की समस्या है। पात्रों को भी आवास नहीं मिल पा रहा है? पात्रों को मिलेगा, अभी सूची में नाम नहीं था, इस वजह से नहीं मिल रहा था। हाँ, प्रधानमंत्री आवास का, आवास योजना का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिनको आवास दिया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद देने।